तुम्हें जो है ना 10% ज्यादा कर लिए, हमारे को 1% भी ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हारे को 10% ज्यादा हुआ ना, हमारे को भी 10% ज्यादा होना। जो गोंडी रहने दो, इंजीनियर इंजीनियर का काम करना, लेबर लेबर का ही काम करना, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट काम करना। लेकिन इंजीनियर जो है ना, अगर वो लेबर का काम करे, हमारे यूनियन में आइए, हम उसको कार्ड बना के लेबर कार्ड बनाएंगे, लेबर कार्ड बनाएंगे। नम प्रॉब्लम साल आगे प्रॉब्लम साल आगे वंदन वर्ष कायबेकेन्ना तना हिंगे सायबेकेन्ना। अपना अपना काम बंद कर कर हमारे पेट पर हम लात मार लिए, क्योंकि ये क्यों मजबूरी है हमारा कि जो भी लेबर कार्ड बने हैं 1 रुपया भी उनके अकाउंट में नहीं आया। और उस मेमेंट में बताए थे हम तक 15 दिन के हम अंदर हमारा मसाइल सॉल्व करो बोलकर, अब तक जो ना वो मसाइल हमारा कोई सॉल्व नहीं हुआ, हमारा समस्या का कोई हल नहीं हुआ। गुलबर्गा में बहुत सारे मॉल बने, घरे बने, ये तमाम जो है बनने वाले कौन लेबर लोग बनते, आप केवल प्लान डालते। आप प्लान डालने वाले के लिए जो है 10 लाख फायदा, हमारे को जो है ना कम से कम 10,000 भी जब नहीं मिलता बोलते, कौन सा इंसाफ है। कलबुर्गी शहर और कलबुर्गी जिले में तकरीबन 50,000 बांध काम जो लेबर काम करते हैं। अब प्रस्तुत संदर्भ में हमारे कल्याण कर्नाटक के जो रीजनल हेडक्वार्टर गुलबर्गा है, यहाँ के तमाम जो है ना आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं और सिविल इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, ये जो है ना जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तकरीबन 10 साल पहले जो रेट था वही रेट लेबरों को देते हैं। जो गोंडी समझो, जो बड़े बड़वाई बड़ाई काम करने वाले समझो, फर्शी डालने वाले समझो, तमाम जो ये 50-60 टीम है ये बांधकाम कमेटी के, ये तमाम लोगों का जो काम करने वाले लोग हैं। तुम एसी में बैठकर तुम प्लान डालते भाई, ऐसे बड़े बड़े विधानसभा बनते लोग, बड़े बड़े जो है ना हम बिल्डिंगा बनते, आज जो है ना HKRD भी है, विधानसभा है, अब गुलबर्गा में बहुत सारे मॉल बने, घरे बने, ये तमाम जो है ना बनने वाले कौन लेबर लोग बनते, आप केवल प्लान डालते। आप प्लान डालने वाले के लिए जो है ना 10 लाख फायदा, हमारे को जो है ना कम से कम 10,000 भी जब नहीं मिलता बोलते, कौन सा इंसाफ है, कौन सा इंसाफ है, कौन सा न्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ जो है ना तकरीबन जो है ना 8 महीने पहले हमारे जो है ना नव कल्याण कर्नाटक जो है ना संघ के तरफ से, नव कल्याण कर्नाटक कट्टड़ कार्मिक संघ और सेंट्रिंग संघ दोनों मिलकर जो है ना तकरीबन 8 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ना हम एक लेटर दिए थे, एक मेमोरेंडम पेश किए थे, और उस मेमोरेंडम में बताए थे हम तक 15 दिन के हम अंदर हमारा मसाइल सॉल्व करो बोलकर, अब तक जो है ना वो मसाइल हमारा कोई सॉल्व नहीं हुआ, हमारा समस्या का कोई हल नहीं हुआ। और इस हालात को देखते हुए हमारे सेंट्रिंग कमेटी के जो अलाउद्दीन साहब हैं और जो है हमारे भीमराव साहब हैं, हमारे तमाम लीडर मिलकर एक मीटिंग कर कर हम जो है ना एक डिसीजन लिए, हम जो है ना आज पूरा लोग 22 जुलाई तमाम जो है ना काम कर बंद करें, हम अपना अपना काम बंद कर कर हमारे पेट पर हम लात मार लिए, क्योंकि क्यों मजबूरी है हमारा, क्योंकि बड़े बड़े जो है ना इंजीनियरिंग कर कर ये जो है ना MTech डिग्री कर कर आप लोग जो है ना आर्किटेक्ट इंजीनियर बने, बड़े बड़े गुत्तेदार बने, अब जो है ना मासूम लेबर लोगों का जो है ना उनका दर्द नहीं समझते बोलते, कौन सा इंसाफ है ये। डिमांड क्या सर? हमारा डिमांड ये है, अब जो तुम कॉन्ट्रेक्टर लोग इंजीनियर लोग जो रेट ले रहे, तुम्हारे रेट के मुताबिक हमको रेट दो। अब एक लेबर को जो रेट मिल रहा है ना, वो रेट जो है ना 10 साल पहले का रेट है, आपके रेट के मुताबिक तुम जो फ़ायदा ले रहे, तुम जो है ना 10% ज़्यादा कर लिए, हमारे को 1% भी ज़्यादा नहीं हुआ। तुम्हारे को 10% ज़्यादा हुआ ना, हमारे को भी 10% ज़्यादा होना। जो गोंडी रहने दो, अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो काम करते पूरे लोग, बांधकाम में जो भी काम करते ना पूरे क्षेत्र के लोगों को उनके जो है ना श्रम के मुताबिक, उनका मेहनत के मुताबिक उनको जो है ना उनका जो है ना मेहनत का जो है ना कूली मिलना, उनका जो है ना क्या है बोलते हम वेतन मिलना, रोज का वेतन रहने दो, महीने का वेतन रहने दो, क्या भी चले लेबर चार्ज जो है ना रोज का रोज उनको मिलना, महीने को मिलना, वीक को वीकली मिलना, ये हमारा डिमांड है। और ये डिमांड जो है ना 15 दिन के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब सालू करना, क्योंकि उन्हें मध्य प्रवेश करना उनका कर्तव्य है। जब DC साहब मध्य प्रवेश नहीं करेंगे तो वो कैसे आएंगे? इसलिए हम जो है ना इंजीनियर लोगों को बहुत बार मेमोरेंडम पेश करें, हम आर्किटेक्चर इंजीनियर को दिए, गुत्तेदारों को दिए, सिविल इंजीनियरों को दिए, अब तक उन्होंने जो है ना कोई इसके बारे में क्या रहे नहीं बोल रहे उन्होंने।
पूछने तक नहीं उन्हों। इसलिए डिप्टी कमिश्नर का काम है, क्योंकि तकरीबन जो है ना हजारों लोग यहाँ पर हम काम करने वाले हैं, अगर हम काम बंद करें तो कैसे बिल्डिंग बनते। इसलिए डीसी साहब को इस मसाइल को जो है ना बहुत सीरियस समझकर 15 दिन के अंदर हमारा मसाइल सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो जो है ना हम रास्ता रोको करेंगे, धरना करेंगे और हाईवे रोको करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो है ना गुलबर्गा बंद करने का भी जो है ना हम हमारे जो है ना मूवमेंट में आगे हमारा प्लान दिए हैं, हमारा आगे का हमारा योजना रख लिए हैं। इसलिए जो है ना हम गुजारिश करता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को, हमारा जो मसाइल का डिमांड है उस डिमांड को हमारे टाइम बॉन्ड के मुताबिक सॉल्व करने के लिए मैं जो है ना तमाम हमारे आज जो कमेटी के लोग हैं उनकी तरफ से जो है ना और एक बार मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे 18 तारीख से इस गुलबर्गे के अंदर हर वो कोने फिरा हूँ जिसमें जहाँ भी जाता हूँ इंजीनियर के काम हो रहे हैं, और इंजीनियर का काम क्या कर रहे हैं बोलो तो उड़ाईसा से बाहर से जो लोग इंजीनियर ला रहे हैं, ला के जो है ना बाहर के लोग काम दे रहे हैं। काम देने के बाद क्या कर रहे हैं, हम जाके अगर साइट पर रुके भाई ये हमारे यूनियन से कोई रिलेटेड नहीं है काम, हम आना नहीं यूनियन वाले, क्यों नहीं आना बोल रहे हैं। तुम्हारे से क्या है भाई, हमारा खुद का शटरिंग है, हमारे बाहर के लेबर से वो बोल के बोल रहे हैं। मैं बोला ये लोग इतने लोग क्यों बंद करे काम, क्यों बंद करे भाई, इंजीनियर इंजीनियर का काम करना, लेबर लेबर का ही काम करना, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट काम करना। लेकिन इंजीनियर जो है ना अगर वो लेबर का काम करे हमारे यूनियन में आइए, हम उसको कार्ड बना के देंगे, लेबर कार्ड बना के, लेबर कार्ड बना के। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ हम हमारे इसमें यूनियन में जमा हो जाइए और कार्ड इमीडिएट बनाओ, और आजादपुर रोड पे यूनियन का ऑफिस है, और गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि जो भी लेबर कार्ड कर बने हैं 1 रुपया भी उनके अकाउंट में नहीं आया, 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं आया, वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो हम 5 दिन से हमारे लेबर कितने परेशान हैं, सब परेशान है। अगर परेशान हमारे मुतालबा अगर नहीं करेंगे तो फिर और 8-15 दिन फिर बंद करेंगे हम पूरा गुलबर्गा। नव कल्याण कर्नाटक कट्टड कार्मिकर संघद वतियिंद ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕೋದು ಹೋಗೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಹಾಕೋದು, ಮನವಿ ಕೊಡೋದು, ಹೋಗೋದು, ಬರೀ ಇದೇ ಕೇಳೋದೇ ನಡೆದದ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ ಆಗೋದು, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕೇನ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕೇನು ನಾವು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾಕೆ ತಲೆಗೆ ತಗೊಳಾಗ್ಯಾರದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಯಾಕೆ ತಲೆಗೆ ತಗೊಳಾಗ್ಯಾರ, ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಲಾಗೈತದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಕಾಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ತಳಾಗ ತುಳಿಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ನ್ಯಾಯಾಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಹೋದ ಸಾರಿ ಭೀ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 23 ದಿಸೆಂಬರ್ 2023. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೀವಿ. ಅದು 2 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ 15 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ತಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧವರಾಗಿದ್ದೀವಿ.